नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शुभा सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। एमपी को नए एयरपोर्ट की सौगात, रीवा एयरपोर्ट का सीएम शिवराज ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा में बनने वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण का भूमि पूजन किया है। बता दें कि ये मध्य प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट होगा। ये एयरपोर्ट करीब 239.95 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। एमपी में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में ही एयरपोर्ट है। इस खास मौके पर रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलाकारों के साथ डांडिया भी खेला। समारोह में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने 747.51 करोड़ रुपए के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही भूमि पूजन भी किया। मुख्य समारोह चौराहा हवाई पट्टी में हुआ। इसके बाद सीएम महिला सम्मेलन के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जब 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तब से रेवांचल और विंध्य क्षेत्र में परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मकसद है देश में एक एक व्यक्ति का सशक्तिकरण होना चाहिए। पहले देश में रेल की मांग होती थी, अब हवाई जहाज की मांग हो रही। ये कांग्रेस के शासनकाल में संभव नहीं था। ये केवल नरेंद्र मोदी जी और शिवराज के शासनकाल में संभव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया का चेहरा दिखाया कि मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे, इसलिए हमें ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री दादा को बना दिया। देखा आपने रीवा में एयरपोर्ट बनेगा, और एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट नहीं होता, वो निवेश लाने का सबसे बड़ा साधन होता है। विंध्य में अपार संभावनाएं हैं, और अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.80 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव विंध्य के मिले हैं, जहां उद्योगपति निवेश करना चाहते हैं। हम उसको तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन निवेशक को कनेक्टिविटी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी, और इसलिए ये पहल की है कि रीवा की हवाई पट्टी अब एयरपोर्ट का रूप धारण कर ले। आज वो शिलान्यास का कार्यक्रम था। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, उन्होंने एयरपोर्ट के लिए स्वीकृति दी है जी। मैं नागरिक उड्डयन मंत्री जी का आभारी हूँ, लेकिन जमीन और बाकी सुविधाएं हमको उपलब्ध करानी है, इसलिए बजट से मध्य प्रदेश सरकार के 206 करोड़ रुपया हमने यहाँ स्वीकृत किए हैं। अभी जो शासकीय जमीन थी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी है, और बाकी भी जमीन उपलब्ध हम कराएंगे। एयरपोर्ट के आने से आप सब जानते हैं कि पर्यटन भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक्सप्रेस वे नया प्रोजेक्ट होगा, और मैं कह रहा हूँ भोपाल से सिंगरौली तक एक्सप्रेस वे का मतलब केवल सड़क नहीं है, 4 लेन ये पूरा होगा। जहाँ 4 लेन नहीं है वहाँ 4 लेन करेंगे इसको, और इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, ताकि वहाँ MSME हो या बाकी उद्योग हो, वो उद्योग आ सके। मोहन भागवत जी से आपकी मुलाकात हुई थी?